भाई राम राम सायरन है, मैं हूँ ट्रैवलर धीरेन और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवलर धीरेन पे। तो भाई आज मैं आया हूँ हिमाचल प्रदेश की तीर्थन वैली में। अरे तीर्थन वैली में तो कौन कौन सी जगह आपने घूमनी चाहिए वो इन वीडियो में मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों जो है सबसे पहला आज मैं आया हूँ जीबी में। जीबी जो है तीर्थन वैली की सबसे मेन जगह में से एक है। तो चलिए आज हम देखेंगे जीबी और इसमें दिखाऊंगा कि जीबी में भाई हम के देख सके हैं अड़े। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करें हैं अपनी भाषा में। तो ठीक है भाई, अगर वीडियो अच्छा लग जा तो वीडियो ने लाइक कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो और अच्छा ना लग गए तो कमेंट कर दियो। तो चलो देखते हैं भाई हिमाचल प्रदेश का तीर्थन वैली का जीबी और जीबी का वाटरफॉल। भाई पिछले साल तक इतना कोई जो है इसकी एंट्री टिकट नहीं थी, लेकिन ये जो है इसकी 20 रुपए की टिकट कर दी है। और यो है इसका एंट्री गेट जीबी का, जो है जीबी में देखने लायक एक यो ये जो है वाटरफॉल है। चलो ऊपर दिखा कर लाऊंगा तुमने जीबी का वाटरफॉल। वैसे तो जो है पिछले साल मैंने जो है अपने दूसरे चैनल पे धीरेंद्र डबाडा ट्रैवल देसी पे जो है मैंने पूरी डिटेल के साथ जो है वीडियो इसका तीर्थन वैली की कौन कौन सी जगह है घूमने की डाल दी थी। पर यो जो है ईब के ने मैंने ऐसा लगा कि अपनी भाषा में जो है बोल के बताया जा तो कुछ और बढ़िया बने। तो ईब की बार जो है फिर दोबारा वाटरफॉल दिखाऊँ थरते जीबी का। लो भाई चाल पड़े हैं जीबी के वाटरफॉल की उड़ान है, देखेंगे उड़ा की है कि ना है वो बेकू बना रहे हैं। भाई अड़े इस जीबी में है दुनिया भर के तो होटल हैं, होम स्टे हैं और भाई आज जो तीर्थन नदी है इसके साथ साथ इसमें जो है दुनिया भर के कैंप लग रहे हैं। तो हम जो है आप लोग कैंपिंग करना चाहो तो कैंपिंग कर सको नीचे नदी पर उतर के। भाई किसी ने होटल लेना हो या होम स्टे लेना हो तो वो भी मिल सके है और ज़्यादा महंगे ना है। अड़े जो है 500-700 रुपये तक लेकर और भाई 2-2.5 हज़ार रुपये तक ही जो है ये आराम तय प्रति व्यक्ति मिल जाए। तो बड़ा बढ़िया शहर है यो जो जीबी है। बाकी चलो आगे जो है वाटरफॉल दिखाऊंगा तुमने भाई। भाई एक बात और बताना चाहूँ इस जीबी के बारे में, अड़े का जो मौसम है वो बड़ा प्यारा मौसम है भाई, बहुत ही सुंदर मौसम है। जब तुम अड़े जो है जाओगे तब मज़ा आ जाओगा। अड़े जो है कदमे का बारिश आ जाए और मौसम जो है इतना लाजवाब हो जाए कि के कहने उसके। तो चलो इब चल रहे हैं हम वाटरफॉल की ओडा ने। देखो अड़े भी जो है नीचे उतर के भी जो है होटल हैं और कैंप हैं। तो भाई अड़े जो है जाओगे तो क्या ये चीज़ की कोई कमी आप लगाने महसूस नहीं होगी। ईब आ गए हैं भाई जीबी वाटरफॉल पे। चलो थरते जीबी का वाटरफॉल दिखाते हैं। ये देखो भाई सारा जीबी 2-3 किलोमीटर में का फैला उड़ और यो तीर्थन वैली का जो है उन सारे टूरिस्ट स्पॉटों में से एक स्पॉट है जीबी। अड़ा जो है या नदी आ है ऊपर तक वह नदी बाद में दिखेंगे।
हेलो भाई, हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं जीपी के वाटरफॉल पे। चलो तुमने दिखाओ हैं किसाक है यो जीपी का झरना। लागत है तने यो पसंद आओगा भाई, देखियो यो है। तो चलो और नज़दीक तो देखेंगे इसने। तो यो है भाई जीपी का वाटरफॉल। अरे इस आशा करूँ कि तुमने जो है वो अच्छा लग गया होगा। तो भाई ईब तुमने देखा जीपी का वाटरफॉल। वैसे अगर बात करें कि भाई अड़क पोचा क्यों कर जा, तो जो मनाली दिल्ली हाईवे है उस पर आवे है ओट टनल। ओट टनल तो उसके टनल के अंदर ना घुस के सीधे आएंगे तो भाई 33 किलोमीटर पड़े है वो ओट टनल तो। और अड़े जीपी में जो है वो तीर्थन वैली में आवे है। और अड़ा जो है यदि आप जो आओ हो तो अड़ा भाई नेरे ते इस नदी के साथ साथ कैंप लगा रखे हैं, टेंट हैं, उनमें भी रुक सको हो। और भाई अड़ा होटल भी हैं तो सारी रेंज के हैं। मान लो 600-700 रुपये तय लेकर है। और भाई तब ऊपर जो है लगभग 2-2.5-3 हज़ार रुपये तय ले सको हो होटल। तो जी भी घनी बढ़िया जगह है। तो मैं तो कहूँगा कि अगर जो है कोई मनाली घूम जा है तो उस तो बढ़िया अड़ा तीर्थन वैली में आओ। और तीर्थन वैली में और कई जगह हैं आगे जो है उन वीडियो में आगे जो वीडियो बनाऊंगा भाई उनमें उसके बारे में बताऊंगा तब तक। तो भाई तुमने वीडियो अच्छा लग गया हो तो वीडियो ने लाइक कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो और बढ़िया लग गया हो तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दियो। तो वीडियो देखने तक ही थारा बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम भाई, थारा दिन शुभ हो।